हाय एवरीवन, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। एक सेक्शन 194N जिसमें कुछ अपडेशन आया है, उस अपडेशन आने के बाद मार्केट में काफ़ी ये न्यूज़ आ रही हैं कि अब बैंक से पैसे निकालने पे कटेगा TDS। तो क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है, इसी के ऊपर मैं छोटा सा क्लेरिफिकेशन देना चाहूँगा आप सभी को। बैंक से पैसे निकालने पर कटेगा TDS, ये बात ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशन। सपोज मैं बैंक से 50,000 रुपये निकालता हूँ, क्या मेरा TDS कटेगा? आंसर इज नो। बैंक गवर्नमेंट ने कुछ टर्म एंड कंडीशन या फिर बोल सकते हो कुछ लिमिट्स डिफाइन की हुई है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप बैंक से पैसा निकालते हो, खाली बैंक ही कवर नहीं है, बल्कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से या फिर अपने पोस्ट सेविंग अकाउंट से अगर कुछ पैसा विड्रॉल करते हो तो आपका TDS कटेगा। I would like to show you with the help of a slide। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, TDS on cash withdrawal सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 194N। अब ये सेक्शन जो इंट्रोड्यूस हुआ था, ये हुआ था बाई फाइनेंस एक्ट 2019। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया था? सेक्शन में कहा गया था कि अगर असेसी अपने किसी भी बैंक अकाउंट से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा निकालता है पैसा है, तो उसके ऊपर TDS लगेगा, और TDS लगेगा एट द रेट 2%। TDS कौन लगाएगा, मतलब कौन काटेगा TDS? बैंक में, बैंक से अगर आप पैसे निकालते हो तो बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस से अगर निकालते हो तो पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी से निकालते हो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो लिमिट क्या है? 1 करोड़ लिमिट है, और पूरे के पूरे साल में, मतलब आप जनवरी में निकालते हो 50 लाख रुपए, फिर फरवरी में निकालते हो आप 10 लाख रुपए, और फिर मार्च में निकाल देते हो फिर से 50 लाख रुपए। तो टोटल जनवरी फरवरी मार्च, यानी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, या फिर प्रीवियस ईयर कह सकते हैं, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होके मान लो 31 मार्च 2020 था, तो जैन फेब मार्च 2020 में हमने 1 करोड़ 10 लाख रुपये निकाला, तो इस पर TDS कितना आ जाएगा? एट द रेट 2%। तो ये एग्जिस्टिंग सेक्शन था 194N एज पर फाइनेंस एक्ट 2019। अब इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ जिसकी वजह से काफ़ी मार्केट में हल्ला मचा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केस रिसिपेंट हु हैज़ नॉट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ लास्ट 3 प्रीवियस ईयर, मतलब अगर किसी एसएससी ने अपने पिछले 3 साल की रिटर्न नहीं भरी है, या भरता ही नहीं है, कभी रिटर्न ही नहीं भरी, 10 साल से नहीं भरी, 5 साल से नहीं भरी, उन एसएससी का भी TDS कटेगा अगर वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किसी बैंक से, किसी पोस्ट ऑफिस से, या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से 20 लाख रुपए से ज़्यादा अगर वो कैश विड्रॉ करते हैं तो उनका भी TDS कटेगा। किस रेट से कटेगा? 2% के रेट से कटेगा, राइट? अच्छा, और अगर वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर निकालते तो TDS कितने परसेंट से कटेगा? तो 5% से कटेगा। तो ये जो 5% 2% का सिनेरियो है, यह उन एसएससी के लिए है जिन्होंने पिछले 3 साल से अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, या फिर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, और जो एसएससी रिटर्न फाइल करते हैं उन्हीं के लिए एग्जिस्टिंग सेक्शन जो फाइनेंस एक्ट 2019 में बोला था कि अगर आप 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं किसी बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो 2% TDS कटेगा। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी आई होगी कि इसमें क्या अमेंडमेंट आया है, क्या अपडेट आया है, ठीक है ना। दूसरा, ये हमारे स्टूडेंट्स के, हमारे क्लाइंट्स के ये कुछ क्वेश्चन से मैं आपके सामने शेयर करूँगा। उन्होंने पूछा कि सर इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है या कम है, ये सेक्शन मतलब लग नहीं रहा कि 1 करोड़ रुपए कौन निकालेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, 1 करोड़ रुपए एक हायर अमाउंट है, तभी अमेंडमेंट करा फाइनेंस एक्ट 2020 में, यहाँ पे एक लोअर अमाउंट आ गया। लोअर अमाउंट क्या है? 20 लाख। जो एसएससी रिटर्न फाइल नहीं करते, 3 साल से एबसेंट है रिटर्न फाइल करने में, उनके लिए लिमिट लिया है क्या? 20 लाख। अब इस लिमिट में क्या है? 20 लाख की लिमिट, देखो मैं आपको बता दूँ, कोई भी इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, या कोई फंक्शन लाइक किसी के घर में शादी है, कुछ भी है, तो एसएससी को ना पैसे की जरूरत पड़ जाती है, राइट? तो उस टाइम पे उसका कैश विड्रॉल इजीली हो जाता है 20 लाख से ऊपर। और ये जो 20 लाख की लिमिट है, ये पूरे साल की है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर डेट की, ठीक है ना। तो पूरे साल में 20 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करना, मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी, कई करोड़ एसएससी इस TDS के दायरे में आ जाएंगे, राइट? दूसरा क्या है कि बहुत से लोगों ने कहा कि हम क्या काम करेंगे, हमारा दूसरे ब्रांच, मतलब हमारे पास 2-3 ब्रांच में हमारे खाते हैं, जैसे PNB के मान लो आपके 2 या 3 ब्रांचेस में खाते हैं,
तो कुछ पैसा उधर से निकालें, कुछ पैसा उधर से। तो बैंकिंग, हर बैंक का अपना एक CBS सॉफ्टवेयर होता है, जिसे बोलते हैं क्या, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर। तो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर के तहत बैंक मॉनिटर कर सकता है कि मेरी दूसरी वाले ब्रांच से इस सचिका का अगर कोई खाता है तो वहाँ से कितना कैश विड्रॉल करो। तो ये कंबाइंड लिमिट, ये जो 20 लाख या फिर 1 करोड़ की जो लिमिट है, ये कंबाइंडली देखी जाएगी, कंबाइंडली, ठीक है ना, कंबाइंडली 1 करोड़ या फिर 20 लाख की लिमिट देखी जाएगी बैंक वाइज, ठीक है ना कि ब्रांच वाइज। अगला क्या है, वाई गवर्नमेंट वांट टू, ये मैं ऑलरेडी बता चुका कि गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट कि कैश के ट्रांजेक्शन कम हो, और मॉनिटर करना चाहती है कि हमारा टैक्स पेयर जेनविन है या नहीं है, हमारे को प्रॉपरली टैक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कुछ छोटे से इश्यूज हैं, राइट। तो इसमें आप कैश विड्रॉ चेक से करें, या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें, या फिर आप खुद वहाँ पे स्लिप भर के कैश विड्रॉल करते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पे कंसिडर होगा, ठीक है ना। और इसके रिस्पेक्ट में इफ़ यू हैव फर्दर क्वेरी देन यू कैन मेल मी, डोंट कॉल मी, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस इंक्वायरी, राइट। सो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आई होप आपको काफ़ी क्लैरिफिकेशन आई होगी इस सेक्शन के संदर्भ में। थैंक यू वेरी मच।